उमा भारती ने समर्थन किया है शिरडी के साईं बाबा की पूजा अर्चना को लेकर। आपको बता दें शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इसका विरोध कर चुके हैं, जिसके बाद अब उमा भारती ने इसका समर्थन किया है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती इस मुद्दे पर कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन उमा भारती का यह कहना है कि शिरडी के साईं बाबा की जो पूजा अर्चना की जाती है उसका वो समर्थन करती हैं। हालांकि शंकराचार्य इसके विरोध में बयान दे रहे थे, तो उमा भारती अब सामने आई हैं और कहा है कि मैं खुद साईं को मानती हूँ, यानी शिरडी के साईं को मानती हूँ और शिरडी के साईं की जो पूजा करने वाले लोग हैं उनका समर्थन करती हैं उमा भारती। ये बयान उन्होंने अब दिया है समर्थन में, शिरडी के साईं बाबा की पूजा अर्चना के समर्थन में। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि शिरडी के साईं बाबा की पूजा नहीं की जानी चाहिए, हिंदुओं को पूजा नहीं करनी चाहिए उनकी। लेकिन क्या कहा उमा भारती ने समर्थन में, वो सुनिए। साईं बाबा ने कभी घोषित नहीं किया कि मैं भगवान हूं, और साईं बाबा के भक्तों ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें 25वां अवतार घोषित करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर अवतार तय हैं। कितने हैं? 24 अवतार तय हैं ना, वो 24 तीर्थंकर में मिक्स मिश्रित हो गई थी। हमारे यहाँ पर 24 अवतार तय हैं। 24 अवतार में कभी साईं बाबा के भक्तों ने ये आग्रह नहीं किया कि उनको 25वां अवतार घोषित करो। उन्होंने मात्र इतना कहा कि हम साईं को भगवान मानते हैं। अब किसी की यदि आस्था है इतनी, तो हम तो अपने यहाँ ये भी कहते हैं कि मेरी माँ मेरी भगवान है, मेरे पिता मेरे भगवान हैं, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव। हमारे यहाँ कहा गया कि ये चार भगवान और होते हैं इन 24 अवतारों के द्वारा। अतिथि भगवान होता है, गुरु भगवान होता है, माँ भगवान होती है, पिता भगवान होते हैं। कितने लोगों ने साईं के दरबार पर मत्था टेका है और उनके संकट निवारण हुए हैं। तो ये आस्था के कारण उनको भगवान लग रहे हैं, ये 25वें अवतार की घोषणा थोड़ी कर रहे हैं भक्त लोग। लेकिन मैं माननीय स्वरूपानंद जी के लिए एक शब्द नहीं बोल सकती, मैं उनको पिता तुल्य मानती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि ना तो कभी साईं बाबा ने कहा कि मुझे भगवान मानो, और ना उनके भक्तों ने कभी कहा है कि उनको 25वां अवतार मानो। आपको बता दें तो उमा भारती समर्थन कर रही है साईं पूजा का, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती शंकराचार्य ने जो बयान दिया था उनके समर्थन में अभिमुक्तेश्वरानंद ने बयान दिया, क्या उन्होंने कहा सुनिए। जब जो बात सभी सनातन धर्मियों के लिए कही गई है वही बात उमा भारती जी के लिए भी लागू होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं। अगर वो सनातन धर्मी हैं तो सनातन धर्म के जो विधि निषेध हैं उनका पालन तो उनको भी करना होगा।